नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। आने वाले 30 दिन तीन राशियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छे जाने वाले हैं। वहीं पर तीन राशियों को कई तरह के कष्ट देखने को मिल सकते हैं। कौन सी वो तीन राशियां जिनके लिए ये किस्मत खुलने वाला समय है और कौन सी ये तीन राशियां जिन्हें थोड़ा सा सावधानी रखनी है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं यहां पर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव ने सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करना है और 17th of September 2023 को ये घटना होने वाली है। सूर्यदेव जैसे ही कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या संक्रांति यहां पर शुरू हो जाएगी और कन्या संक्रांति तीन राशियों के लिए किस्मत का ताला खोलने आ रही है, किस्मत बदलने आ रही है। कौन सी है वो तीन राशियां जान लेते हैं। सबसे पहले यहां पर वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत बहुत ज्यादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। वृषभ राशि, आपके लिए ये समय किस्मत खोलने वाला समय रहेगा, परेशानियों को दूर करने का समय रहेगा और ये 30 दिन आपके जीवन के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिनों में होने वाले हैं। 2023 के साल के ये 30 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि इस समय में आप सभी के पास बहुत बड़ा मौका है कि आप अपने कामों को बैलेंस कर लें, अपने फाइनेंस को बैलेंस कर लें, अपने आप को किसी भी तरह के लॉस से बाहर निकाल दें और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज आपके चल रहे हैं तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके समाप्त करने की कोशिश करिए। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय यहाँ पर जाता हुआ नजर आता है। यहीं पर ये समय अगर आप राजनीति में हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आपका काम बनते हुए नजर आएगा और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वृषभ राशि इस समय का पूरा पूरा फायदा जरूर उठा लीजिएगा। इसी के साथ साथ ये समय कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा समय यहाँ पर दिखाई देता है। कन्या राशि, आपके लिए लंबे समय के बाद एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर आपकी मन की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है और आप किसी भी तरह की परेशानी को अपने से दूर करने का हर संभव प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। ये समय है जहां पर आपको अगर कोई बीमारी थी तो वो बीमारी ठीक होते हुए दिखाई देती है, कोई बड़ी लंबे समय से कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी खत्म होते हुए दिखाई देती है, जॉब को लेकर के कोई भी परेशानी थी तो वो समस्याएं अब समाप्त होते हुए नजर आती है और प्लेस चेंज भी यहां पर होते हुए दिखाई देता है, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए दिखाई देती है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो कन्या राशि आपके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा समय दिखाई देता है। बात कर लेते हैं यहां पर अगली राशि जिसके लिए समय काफी ज्यादा अच्छा है, यह आपकी धनु राशि। धनुराशि, आपके लिए भी ये समय बेहद बेहद खुशियों वाला समय यहाँ पर दिखाई देता है। आप सभी को सही रास्ते पर चलना है और सही तरीके से अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। आपके लिए ये समय काफी ज्यादा अच्छा समय दिखाई देता है। पारिवारिक माहौल को अच्छा करना है तो ये समय बहुत अच्छा है। कोई मांगलिक आयोजन करना है या फिर अपने शादी के लिए रिश्ते देखने हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। फैमिली प्लानिंग के लिए ये समय आपके लिए भाग्य को बदलने वाला समय रहेगा और अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आप नौकरी पाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय दिखाई देता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये समय धनु राशि के लिए भी किस्मत बदलने वाला समय यहाँ पर रहेगा। सो ये 30 दिन इन तीन राशियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। इसी के साथ साथ तीन राशियां जहां पर थोड़ा सा सावधानी भी रखनी है वो भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। पहली राशि है यहाँ पर मेष राशि। मेष राशि, आप सभी को थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर चलने की जरूरत है। ये समय गाड़ी चलाते समय सावधानी रखना है, अपनी सेहत पर पूरी तरह से ध्यान रखना है, लापरवाही किसी तरह से नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेष राशि, ये समय एलिगेशंस लग सकते हैं, कोई व्यक्ति आप पर किसी तरह का लांछन लगा सकता है, इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस वजह से आप सभी को थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अपर बॉडी पार्ट पर भी आपको सेहत का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, रात को प्रॉपर नींद ना आए तो ये भी यहां पर दिखाई देता है। इस वजह से आपको थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा यहां पर आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि, आपके लिए भी समय बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं दिखाई देता। आने वाले 30 दिन संघर्ष के दिन है यहां पर और आने वाले 30 दिनों में आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। पुरानी बीमारियां वापिस आ सकती है, पुरानी कठिनाइयां वापिस आ सकती है, कुछ पुराने मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं,
रिलेशनशिप में टकरार हो सकता है, पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। और इस वजह से इस समय में अपनी वाणी को लेकर के आपको बहुत ज्यादा संयम रखने की जरूरत है, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। अगली राशि यहां पर जो है मीन राशि। मीन राशि आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही है, शनि की साढ़े साथी का फर्स्ट फेज यहां पर चल रहा है और ऐसे समय में सूर्यदेव की ऐसी स्थिति आने वाले 30 दिन चैलेंजेस लेकर के आ रही है, मतलब कि हर एक चीज को बहुत ज्यादा मेहनत के साथ करने की जरूरत है। ऐसे समय में आप सभी को भी अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना है, अपने अहंकार को अपने से कम रखिएगा, अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा और इसी के साथ साथ बड़ों का आदर मान सम्मान करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। काम में बदलाव के लिए समय थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए जो काम कर रहे हैं उसी को अच्छे से करने की कोशिश करिएगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेकर के अपने काम को बदलने का प्रयास ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहां पर आपकी जॉब जा सकती है और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सो ये वो तीन राशियां थी जिनके लिए समय काफी कठिन समय रह सकता है। इसके अलावा कर्क राशि और तुला राशि के लिए समय एवरेज रहेगा, जहां पर आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव भी मिलेंगे, कुछ नेगेटिव भी मिलेंगे, आपको थोड़ा सा संयम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि और तुला राशि के लिए फॉरेन जाने के लिए समय काफी ज्यादा अच्छा है, विदेश यात्राओं के लिए या किसी भी तरह के ट्रिप के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, तो ऐसे समय में आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, बट आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा वृश्चिक राशि और मकर राशि के लिए यहां पर बात कर ली जाए और मिथुन राशि को भी यहां पर अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो वृश्चिक, मिथुन और मकर राशि के लिए समय एवरेज समय है, आप सभी को मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी है और तभी जाकर के आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं मेहनत का पैरामीटर थोड़ा सा ज्यादा है बट समय आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। इसी के साथ साथ सिंह राशि, आपकी राशि से तो सूर्यदेव निकल ही रहे हैं, इसीलिए आपको भी मेहनत तो थोड़ी सी ज्यादा करनी ही पड़ेगी बट समय आपके लिए भी खराब यहाँ पर नहीं दिखाई देता। उम्मीद करता हूं कि ओवरऑल तीन मेन राशियां हैं जिनकी किस्मत खुलेगी और तीन मेन राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, बाकी की जो छह राशियां हैं उनके लिए समय एवरेज है और आप सभी को अपना अपना फायदा देखने को मिल जाएगा। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये फायदा कितना ज्यादा होगा और कहां कहां पर आपको ध्यान रखना होगा ये सारी जानकारी आपकी कुंडली में देखने पर ही पता चलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझे होंगे और इसी अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।